A very warm good morning to all my loving students. How are you all? I hope you all are fine. Students, every day you learn some new things. Okay, now today we are also learn some new things. Yes, I am talking about comprehension. मैं comprehension की बात कर रही हूँ. Do you know about comprehension? Let's see what is it. In comprehension, there is a paragraph and some related questions. एक paragraph होता है और उसमें कुछ related questions होते हैं. And you have to answer these questions by reading the paragraph. और आपको उस पैराग्राफ को पढ़ कर के उसके आंसर्स देने होते हैं. ओके, इट इज़ वेरी सिंपल. यस, सिंपल एंड इंटरेस्टिंग. ये बहुत ही सिंपल होता है और बड़ा ही मज़ेदार होता है. सो नाउ स्टूडेंट्स, रेडी फॉर आर कॉम्प्रिहेंशन. But after starting our comprehension, I show you some short picture. Okay? Please look this video very carefully. Ends of the earth to look after it. Under dancing southern lights. As spring returns, he realizes the egg is hatching. Because there's only one chick, the bond forms with the individual. And they learn to recognize each other. There's no food on the ice. The chick needs its mother to return. A trick to keep one little character fed against all odds, we can recognize what we would call emotion. As spring progresses, the ice melts and the sea gets closer. Chicks demand regular attention for a month or so, then one day they just walk off. Some parents are reluctant to let them go. Now students, we show in this video the story of penguin, because in our comprehension we also study about the penguins. Okay, so now read the passage carefully and answer the following questions. आपको पैसेज को मैंने भी बताया था कि कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है. हमें पैसेज को रीड करना होता है एंड पैसेज में से क्वेश्चंस, आपको कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं जिनके आपको आंसर्स लिखने होते हैं. तो अभी मैंने जो आपको वीडियो दिखाई थी वो स्टोरी ऑफ अ पेंगुइन्स थी. ठीक है,
तो इसमें मैंने आपको, आपने देखा होगा पेंगुइन्स, उनकी जो स्टोरी है कितनी डिफ़िकल्ट उनकी लाइफ होती है, ठीक है, वो किस तरीके से रहते हैं, ओके, ये सब चीज़ें अभी हमने देखा कि वीडियो में थोड़ा सा क्लिप मैंने आपको पेंगुइन्स का दिखाया है. बिकॉज ऑफ दैट इन आवर कॉम्प्रिहेंशन वी स्टडी अबाउट द पेंगुइन्स. ओके, सो नाउ रीड द पैसेज. ओके, पहले हम पैसेज को रीड करते हैं अच्छे से. पेंगुइन्स आर बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई बट आर गुड स्विमर्स. ठीक है, पेंगुइन्स बर्ड्स होती हैं जो फ्लाई नहीं कर सकती हैं, उड़ नहीं सकती हैं, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छी स्विमर होती हैं. स्विमर कौन होते हैं? जो अच्छे से तैरना सीख तैरते हैं बेटा. दे लीव इन अंटार्कटिका एंड ऑफ द कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. ये कहाँ रहते हैं? ये आपके अफ्रीका. और कोस्ट क्या होता है बेटा? कोस्ट होते हैं समुद्र के किनारे, ठीक है, बड़े बड़े समुद्र होते हैं उनके किनारों को कोस्टेस कहा जाता है. तो वह अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के कोस्टेस में ये लोग रहते हैं. द स्मॉलेस्ट पेंगुइन्स इज 40 सेंटीमीटर टॉल. जो सबसे छोटी पेंगुइन होती है वो, उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर टॉल होती है. इट इज़ कॉल्ड द ब्लू फेरी. इसको ब्लू फेरी भी कहा जाता है. फेरी क्या होता है स्टूडेंट्स? फेरी इज अ परी, जिसे हम परी बोलते हैं. एंड ब्लू, नीले रंग की जो परी होती है उसे, उसके नाम से सबसे छोटी पेंगुइन को कहा जाता है. द टॉलेस्ट पेंगुइन इज द एम्परर. जो टॉलेस्ट पेंगुइन होती है वो क्या होती है? एम्परर होती है. एम्परर कौन होता है स्टूडेंट्स? जो किंग है, किंग होता है पूरे बहुत बड़े अपने राज्य का, जो सबसे बड़ा किंग होता है उसे हम एम्पायर कहते हैं. विच इज़ ऑलमोस्ट 120 सेंटीमीटर टॉल. जो कि कितनी बड़ी होती है? 1 सेंटीमीटर टॉल होती है, इतनी उसकी लंबाई होती है. 1 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है. पेंगुइन फीड ऑन फिश, स्क्विड एंड स्मॉल श्रिम्प. इस पेंगुइन्स का जो फीड है, पेंगुइन्स का जो खाना है वो क्या है? फिश, स्क्विड्स एंड स्मॉल श्रिम्प्स इसका खाना होता है. दे आर द प्रे ऑफ लेपर्ड, सील्स एंड किलर व्हेल्स. व्हेल्स ये किसके प्रे होते हैं? इनको पेंगुइन्स का कुछ पेंगुइन्स को प्रे स्टूडेंट्स, प्रे मीन्स होता है आपका टू किल, फीड ऑन या फिर फीड ऑन, ठीक है, इनको खाने के लिए यूज़ किया जाता है. लेपर्ड्स इन्हें खाते हैं, सील्स एंड किलर व्हेल्स, ठीक है. सो नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर पैसेज. ये आपका पैसेज है जो कि पेंगुइन्स के ऊपर है, और इसका स्टोरी बेस मैंने अभी आपको शो करवाया था वीडियो में. छोटी सी एक वीडियो क्लिप मैंने आपको दिखाई थी पेंगुइन्स के ऊपर. ओके, नाउ वी स्टार्टेड. मैंने यहाँ पे अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है. कॉम्प्रिहेंशन एक छोटा सा पैसेज होता है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं. सेम एज इट इज़ मैंने इस कॉम्प्रिहेंशन में आपको दिया है, कॉम्प्रिहेंशन दिया है, ये अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है और आपको रीड भी करा दिया है, ठीक है. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हुए हैं, तो चलिए हम इसके, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, आई एम गिविंग यू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए है आपका, वेयर डू पेंगुइन्स लीव. पेंगुइन्स कहाँ रहती हैं? सो आवर आंसर इज, पेंगुइन्स कहाँ रहती हैं? हमने अभी पढ़ा था पेंगुइन्स कहाँ रहती हैं. देखो, दे लीव इन अंटार्कटिका एंड ऑफ द कोस्टेस ऑफ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. तो हम इसका आंसर जो है वो किस तरीके से लिखेंगे? पेंगुइन्स आर लीव इन, ठीक, पेंगुइन्स लीव इन अंटार्कटिका एंड ऑफ द कोस्टेस ऑफ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. आर क्वेश्चन नंबर बी इज, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पेंगुइन कॉल्ड. सबसे छोटी पेंगुइन को क्या कहा जाता है? हमने यही पढ़ा था. देखो देखो देखो, जल्दी से रीड करो. पेंगुइन्स आर द बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई बट आर गुड स्विमर. दे लिव इन अंटार्कटिका एंड ऑफ द कोस्टेस ऑफ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. द स्मॉलेस्ट पेंगुइन हमें मिल गया है, ठीक है. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पेंगुइन कॉल्ड? द स्मॉलेस्ट पेंगुइन कॉल्ड ब्लू फेरी.
क्या कहा जाता है छोटी सी पेंगुइन को, सबसे छोटी पेंगुइन को क्या कहा जाता है? ब्लू फेयरी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया भी था ब्लू नीले और फेयरी इज अ परी। ठीक है, नीले रंग की परी, नीली परी जिसको कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी इज व्हाट डू पेंगुइन्स ईट, पेंगुइन्स क्या खाती हैं? देखो यहाँ पे हमने नेक्स्ट पैरा में पढ़ा था पेंगुइन्स फीड ऑन फिश स्क्विड एंड स्मॉल श्रिम्प। सो आर आंसर इज पेंगुइन्स ईट फिश स्क्विड एंड स्मॉल श्रिम्प। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स आर क्वेश्चन नंबर टू इज राइट ट्रू और फॉल्स। ये जो ट्रू फॉल्स हैं ये भी आपके पैसेज बेस्ड हैं। अगर आपको पैसेज अच्छी से अंडरस्टैंड हो चुका है, अच्छे से आपने रीड करा है, केयरफुली रीड करा है, तो आप इसके हर चीज़ के आंसर्स को अच्छे से दे दोगे। ठीक है, सो इधर मैंने आपको जो ए है, हमारा जो ए ट्रू फॉल्स में सबसे पहला जो है वो है पेंगुइन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट, पेंगुइन बहुत तेज उड़ते हैं। हमने फर्स्ट लाइन में क्या पढ़ा था, पेंगुइन्स आर द बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई, वो तो उड़ ही नहीं सकते तो वो फास्ट कैसे उड़ेंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो वी आर राइटेड हियर फॉल्स, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फॉल्स। क्वेश्चन बी, सॉरी बी, हमारा जो बी वाला सेंटेंस है वो क्या है, द टॉलेस्ट पेंगुइन इज 40 सेंटीमीटर टॉल। जो सबसे टॉलेस्ट बड़ा पेंगुइन होता है क्या वो 40 सेंटीमीटर का होता है? बट हमने तो यहाँ पे पढ़ा था द स्मॉलेस्ट पेंगुइन इज 40 सेंटीमीटर टॉल, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स होएगा। ठीक है, क्योंकि जो सबसे छोटा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पेंगुइन होता है वो 40 सेंटीमीटर का होता है, और जो टॉलेस्ट होता है वो आपका 120 सेंटीमीटर का होता है। अभी हम ऊपर से रीड कर आए हैं पैसेज को, सो वी राइट हियर फॉल्स। सी इज पेंगुइन आर फाउंड इन अंटार्कटिका, पेंगुइन अंटार्कटिका में शो होते हैं, अंटार्कटिका में दिखते हैं। यस, ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था अंटार्कटिका, दे लिव इन अंटार्कटिका एंड ऑफ द कोस्टेस ऑफ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ये अंटार्कटिका में भी रहते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, हम यहाँ पे ट्रू लिखेंगे क्योंकि हमने ऊपर पढ़ चुके हैं पेंगुइन्स आर फाउंड इन अंटार्कटिका। सो नाउ स्टूडेंट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, पेंगुइन्स आर किल्ड बाय शार्क, wrong, because we read here they are the prey of leopards, seals and killer whales, इनके ये prey होते हैं। ठीक है, so sharks के तो होते ही नहीं है, so they are not killed by the sharks, this statement is false। सो नाउ अब हम आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, मेरा जो क्वेश्चन नंबर थ्री है ये है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे जो मैंने आपको टू वर्ड्स दिए हैं इसके अपोजिट लिखने हैं। ठीक है, अब हम ये अपोजिट भी हमें हमारे पैसेज से ही मिलेंगे। ठीक है, हमें पैसेज से ही ढूंढने हैं अपोजिट्स। तो फर्स्ट जो है आपका ए जो है वो है शॉर्ट, शॉर्ट का अपोजिट क्या होता है स्टूडेंट देखेंगे हम पैसेज में, हमने कहीं वैसे अभी देखिए शॉर्ट का अपोजिट होता क्या है, शॉर्ट का अपोजिट क्या होता है स्टूडेंट्स, टॉल। शॉर्ट का अपोजिट टॉल, हमने देखा यहाँ पे ये टॉल लिखा है तो हम ये राइट डाउन यहाँ पे कर देंगे TALL टॉल। बी बैड, बैड का अपोजिट क्या होगा स्टूडेंट, बैड का अपोजिट होगा गुड। ठीक है, सो वी राइट हियर गुड। इन माय क्वेश्चन नंबर फोर, मेरा जो क्वेश्चन नंबर फोर है राइट एनी टू कॉमन एंड टू प्रॉपर नाउन्स फ्रॉम द अबव पैसेज, आपको ऊपर के पैसेज को रीड कर बताने हैं, कोई भी दो कॉमन एंड टू प्रॉपर नाउन्स को बताना है। स्टूडेंट इन माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑफ नाउन आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन क्या होते हैं, जो कि कॉमनली बोले जाते हैं, कैसे किसी समूह को बोल दिया जिनका कोई एक कॉमनली जो होता है एक। ठीक है, जैसे हमने बोल दिया मार्केट, अगर हम मार्केट का नेम ले लेते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, अगर हमने कंट्री बोला बेटा देश कंट्री, हमने किसी प्रॉपरली कंट्री का नाम नहीं बोला है, तो कंट्री इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन, एंड प्रॉपर नाउन में क्या आ जाएगा
बच्चा प्रॉपर इज, प्रॉपरली हम इंडिया की बात कर रहे हैं, प्रॉपरली हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. ओके, सो इन माय इन आर पैसेज वी हैव टू बी फाइंड दैट टू कॉमन एंड टू प्रॉपर नाउन्स. ओके, लेट्स फाइंड आउट. देखिए यहाँ पे पेंगुइन्स आर द बर्ड्स. बर्ड्स क्या है बेटा? बर्ड्स आर अ कॉमन नाउन. पहला हमें कॉमन नाउन मिल चुका है. पहला जो हमारा कॉमन नाउन क्या है वो है बर्ड. ठीक है, सो वी राइट बर्ड्स हेयर. हम क्या लिखेंगे अपने पहले नाउन कॉमन नाउन में? बर्ड लिखेंगे. ठीक है, चलिए अब हम दूसरा अपना कॉमन नाउन ढूंढते हैं. चलिए रीड करिए, देखिए कहाँ पे हमारा सेकंड जो कॉमन नाउन है वो हमें दिखेगा. दिस अम्पायर. ठीक है, अवर आर सेकंड कॉमन नाउन इज अम्पायर. हमारा जो सेकंड कॉमन नाउन है वो क्या आ जाएगा? अम्पायर आ जाएगा. ठीक है, हमें हमारे टू कॉमन नाउन मिल चुके हैं. अब हम अपने टू प्रॉपर नाउन को फाइंड आउट करेंगे. प्रॉपर नाउन इट्स नेम ऑफ द प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग, प्रॉपर पर्सन. ओके, सो हेयर अंटार्कटिका इज अ प्रॉपर प्लेस नेम, अफ्रीका इज अ प्रॉपर प्लेस नेम, ऑस्ट्रेलिया इज अ प्रॉपर प्लेस नेम. सो वी राइट एनी टू, इफ यू राइट अंटार्कटिका और अफ्रीका, हम कुछ भी लिख सकते हैं. हमारे पास अंटार्कटिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया है, तो हम इन तीनों में से कोई से भी दो अपने प्रॉपर नेम दे सकते हैं. तो वी हैव टू बी, वी आर राइट इट डाउन अंटार्कटिका एंड अफ्रीका. ओके स्टूडेंट्स, इन आर प्रॉपर नाउन. सो नाउ स्टूडेंट, दिस इज आवर comprehension, which firstly which we read it carefully, after that we are giving the answers of the following questions. हमने उससे related questions के answers दिए हैं. ठीक है, तो same ऐसा ही आपके exams में भी आपको comprehension आता है. ठीक है, तो आपको पहले जो है comprehension को अच्छे से read करना है, carefully read करना है, फिर उसके बाद उससे पूछे गए रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो उससे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं, उनके आंसर्स हमें लिखने होते हैं. ठीक है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अगर हम इसे ध्यान से पढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और हमें बहुत ही अच्छा लगता है. ठीक है, और बहुत ही सिंपल होता है ये, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल. ठीक है, ये आपका हिंदी में भी आता है जिसको कि हम अपठित गद्यांश के रूप में देखते हैं. ठीक है, एंड इंग्लिश में हम इसको कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज के रूप में देखते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ आई होप यू हैव टू बी अंडरस्टूड दिस वीडियो वेल. इट विल बी हेल्प यू टू डू योर वर्कशीट. ओके, bye and take care students, till the next video.